लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब फालतू लोग हैं, इससे अच्छा कश्मीर फाइल देखो। अक्षय ने ये मिस्टेक दोबारा की है, उसने 30 मार खान की थी, छुटिया गिरी की थी, उस वही सेम रिपीटेशन उसने ये पिक्चर में की है। अक्षय कुमार मस्त पांडे कैसी लगी सर? बढ़िया पिक्चर है, अच्छी पिक्चर बनाई है, मजा आ गया। के कैसी थी पिक्चर? अरे बहुत मस्त थी। हाँ, कृति सनन कैसी लगी? हाँ अच्छी थी। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार तो बहुत ज्यादा अच्छा था। कैसी थी पिक्चर? मस्त है। ठीक है, कैसी लगी आपको फिल्म? अच्छा था। पिक्चर कैसी अक्षय कुमार की? अच्छी 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 पिक्चर है। मैडम पिक्चर कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छी है आपको? कैसी लगी? एक नंबर, मजा आ गया। फुल ऑन। ओके, कैसी थी पिक्चर? अच्छा अच्छी है, एक नंबर, मजा आ गया अक्षय कुमार को देख के। बच्चन पांडे भाई ने गॉड फादर। कैसी थी पिक्चर? एक नंबर भाई, एक नंबर। अच्छी है पिक्चर। कैसी लगी सर? कैसी है पिक्चर भाई? मैं तो सो गया था। अरे क्यों, क्या हो गया, मजा नहीं आया? कैसी थी फिल्म? अच्छी थी। बच्चन पांडे देखिए आपने होली के दिन पे, कैसी लगी आपको पिक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ बॉलीवुड प्रेमी। And to you, sir, Digdigvijay Singh, happy Holi. Movie was presentation starting was good. Akshay ki entry bhi bahut achhi thi aur unhone bahut acha matlab sound background music bhi bahut acha tha. Jaise bum 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 kya background music aate to sir lagta hai ki koi villain aa raha hai. Interval the picture aise laga mujhe ki sala ye 200 crore cross kar degi. Interval. Yeah. Okay. After interval, it was a Tom and Jerry program. Oh my God, it was a very big disappointed. Interval का पिक्चर कहाँ जा रही है? डायरेक्टर को नहीं पता स्क्रिप्ट कहाँ जा रही, स्क्रीन पे कहाँ जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? अरे इतना बड़ा तो विलियन दिखा दो, खूंखार विलियन मुकेम्बो शोले का गब्बर, वो लोग क्या इंटरवल के बाद ऐसे शूटिंग करेंगे क्या? तुमको जो भी फर्स्ट हाफ तुमने इतना खतरनाक बनाया, जो आदमी साला एक साथ सुनता नहीं है, हथौड़ा मार देता है, वो ऐसे हॉरिबल आदमी वो ऐसे एक्टिंग करेगा क्या? ये इसका ऑपोजिशन क्या है? अक्षय ने ये मिस्टेक दोबारा की है, उसने 30 मार खान की थी, छुटिया गिरी की थी, उसने पागलपंती की थी, वही सेम रिपीटेशन उसने ये पिक्चर में की है। उसमें भी शूटिंग बूटिंग सब ट्रेन के ऊपर है, एंड बुलशिट का इंटरवल का पिक्चर वॉज आउटस्टैंडिंग। 30 मार खान वो सुपर हिट जाने वाली थी, इंटरवल का सेम इसके साथ जो हुआ वो मूवी के साथ, उसको उन्होंने कुछ सीखा नहीं। उनको जाके बोलना चाहिए कि तुम 30 मार खान देखो और सीखो, सेम मिस्टेक उन्होंने दोबारा की। और यही इसके पहले 2019 होली में उन्होंने केसरी निकाली थी, इट वॉज अ मूवी, आज भी हमारे दिल में है। उस दिन पे भी होली थी, उन्होंने खून से अपने से खेला, ये मूवी में उन्होंने पब्लिक को खून से करा दी उल्टा। केसरी वॉज 2007 करोड़ की बॉक्स ऑफिस थी, ये 50 करोड़ भी नहीं जाएगी। आई एम चैलेंजिंग यू, कल से पब्लिक जो सन्नाटा हो जाएगा और द कश्मीर फाइल को डबल बोनस मिलेगा। और मैं तो बोलता इस मूवी को निकाल के राधे श्याम लगा दो वापस। इसमें कुछ तो सेंस था, अच्छी थी मूवी, बैठे इंटरवल का कुछ ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन इंटरवल का इसका मूवी का कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्यों बनाया, काहे के लिए बनाया, क्या मतलब, नो सेंस। हम लोग बैठे तो क्यों बैठे, हम लोग वी हैव पेड द मनी एंड वी हैव टू वी हैव स्पेंड द मनी, वी शुड गेट। या देखो विवेक ने सर ने कश्मीर बनाई, स्टार्टिंग से एंड तक हमारा नज़र कितना, मूवी फुल पैसा वसूल और सर का बॉक्स ऑफिस आज 100 करोड़ हो गया, और कहाँ जाएगी वो पता नहीं, 300 करोड़ के ऊपर जाएगी वो तो। अब तो उनको प्लस पॉइंट मिल गया, कल तो यहाँ एक पब्लिक भी नहीं रहेगी। बच्चन पांडे क्लोज, उनका चैप्टर क्लोज कर दो, आई गो 5-0। फराज साम जी जो है ना, फराज साम जी को बोलो घर पे बैठो वायलिन बजाओ और कुछ म्यूजिक करो, डायरेक्शन उनके लायक नहीं है। इंटरवल लोग जो उन्होंने पिक्चर बनाई है ना, मैं बोलता हूँ अगर उसके बाद वही दम रखते थे ना लास्ट तक, तो ये पिक्चर 200 करोड़ पार कर जाए। कृति और हर्षद है दोनों साथ में। हर्षद देखो, हर्षद वाशी कॉमेडी है, उन्होंने कॉमेडी की है जितना बहुत इंटरवल था कॉमेडी, लेकिन उनका कुछ पिक्चर से पैचअप नहीं होता क्योंकि इंटरवल के बाद स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, स्टोरी नहीं है, बुलशिट है। तो बुलशिट में लोग कितना भी आप जब भी आप उसमें जमीन में तेल ही नहीं है, उसको कितना भी कोई तेल निकलेगा ही नहीं ना। तो ये सीन हो गया कि तुम जब भी स्टोरी स्क्रिप्ट स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा रहे हो, पब्लिक क्या पागल है जो आज इतना इंटरवल कर बैठेगी, कुछ भी दम नहीं है कि ऐसे एक सीन में हम उनसे अट्रैक्ट हो जाए, कुछ भी नहीं। जैकलीन वेस्ट ऑफ मनी। फाइनल वर्डिक्ट सर क्या रहेगा? फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि पिक्चर इज अ बिग फ्लॉप ऑफ 2022। अक्षय कुमार को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तुमने 30 मार खान से कुछ नहीं सीखा, फराह खान ने वो मूवी बनाई थी, दैट वॉज अ बुलशिट मूवी लाइक दिस सेम फरहान साम जी।
5-0 बच्चन पांडे देखिए आपने कैसी लगी आपको मूवी? ठीक है भाई, मतलब फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ में फुल फ्लैट हो गया। स्क्रीन प्ले जो पकड़ा था ना, ग्रिप था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में पूरा लूज हो गया वो। मैं पॉजिटिव जो है मूवी में ना वो बता दो, देखो पहले आपको इसका जो मेक ओवर था ना अक्षय कुमार का, वो मेक ओवर बहुत अच्छा था। म्यूजिक जो यूटिलाइज किया ना पूरे स्टार्ट टू एंड ए टू जो मूवी में पूरा म्यूजिक यूटिलाइज किया है ना, वो बहुत अच्छा था। पब्लिक अब सब चिल्ला रही है कि अच्छा अच्छा अच्छा, बट मूवी एवरेज है, मतलब एवरेज। मैंने इसका ओरिजिनल क्यों नहीं पसंद आई, जिगर ठंडा का रिमेक। हाँ, मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा है, जो वो खुद एक इंस्पायर है कोरियन मूवी से, डर्टी कार्निवल करके, वो खुद मैंने ओरिजिनल वर्जन भी देखा, जो जैसे वन टाइम वॉच ही है एकदम, भी एकदम बोल नहीं सकते कि ब्लॉकबस्टर है। वन टाइम वॉच मूवी, फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ में पूरा डीप हो गया इसका जो स्क्रीन प्ले था, ग्रिप छोड़ दिया इसने सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ अच्छा था और जो फ्लैट हो गया, आप क्या कहोगे? मेरा भी सेम ये, और एक्चुअली हम लोग दोनों काफी सारे मूवीज देखते साथ में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का ट्राई करते हैं। हम लोग खुद अक्षय फैंस ही है, मैं खुद अक्षय फैन हूँ, लेकिन सच बोलूँ सेकंड हाफ के बाद मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ ना, मैं सर पकड़ के थोड़ी देर के लिए बैठ गया था। क्या हो गया क्या ऐसे सेकंड हाफ में? मैं वही जबरदस्ती वही ड्रैग कर दिया ऐसा लग रहा था सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ पूरा खिंचा हुआ लग रहा है, पूरा खिंचा हुआ लग रहा है। उसके बाद में जैसे काफी सारे इसके अंदर सीन्स थे, अपना ये वाला जो सीन था, क्या बोलते हैं अपना, ये दो तीन तो मेम्स जो नॉर्मल जो मेम्स में होता है टिकटॉक पे या फिर रील्स में देखते हैं हम वीडियो, वो कॉमेडी वीडियो दो तीन इसके अंदर डाल दिया है। वो जींस पैंट पकड़ के कीर्ति सेनन के जेब में, मैं ये नहीं करूंगा आपका, फिर भी जो जेब में पैसा डालता है वो सीन हो गया, फिर रॉकेट अपना हाथ से जला के छोड़ रखे वो सीन हो गया। तो और एक मैं वो बताना चाहूंगा कि इसके अंदर नई नई बोल के 4-5 सीन्स है जो साउथ मूवी से पूरी तरीके से इंस्पायर्ड, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। एक जो मेजर सीन है ना, मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं मूवी का भी नाम लूंगा, मैं प्लॉट आपको बताऊंगा, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। मैं मूवी का नाम लेता हूँ, साउथ की मूवी है रंगस्थलम, पुष्पा का ही डायरेक्टर है सुकुमार। तो उसका एक पूरा का पूरा प्लॉट उठा के रहा इसके अंदर पूरा डाला हुआ है, सुकुमार का मूवी है वो रंगस्थलम। मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहते, पूरा एक प्लॉट उठा के डाला जिसके लिए काम करता है सुकुमार, डेथ बेड पे है और लास्ट में जब उसको होश आता है तो सुकुमार खुद उसको मारता है। नहीं नहीं, रंगस्थलम का प्लॉट है पूरा वो। नहीं नहीं बोल के कम से कम 3-4 एक्शन सीक्वेंस मैंने नोटिस किए जो साउथ के पूरे 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 इंस्पायर्ड थे। मैं तो खुला ये भी बोलो कॉपीड थे पूरे के पूरे से, मतलब हम लोग ज्यादा रीजनल मूवीज भी देखते हैं, वो मूवीज एक्चुअली हिंदी में डब नहीं हुई है। मैंने उसके तमिल ओरिजिनल देखा है, तेलुगु गडला कोंडा गणेश भी देखा है, तीसरी बार मतलब मैं ये देखना है, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ तो आया नहीं था, बट मूवी ठीक है, वन टाइम वॉच, एवरेज है, एवरेज मूवी है, काफी एवरेज है। गाने कैसे थे पिक्चर के? अच्छे ठीक है, गाने ठीक है, ठीक थे, टाइटल अच्छा था, वो जो ठीक था, वो उसमें अक्षय कुमार का एनर्जी, अक्षय कुमार ने मतलब समझ लो वन मैन शो, अक्षय कुमार अपने कंधे में पूरा पिक्चर लेके चल रहा है, पिक्चर उठा है बच्चन पांडे। और एक कीर्ति सेनन का भी जो मतलब कैरेक्टर है वो भी इसके अंदर चेंज किया है, जो बाकी जो ओरिजिनल वर्जन में दोनों में उसमें कोई ना कोई मेल है, जैसे तमिल वाले में कौन सिद्धार्थ है, तेलुगु में अथर्वा है, इसमें हीरोइन कीर्ति सेनन को डाल दिया है ऐसा है। तो जमा कृति और अर्शद जमे के लिए। उसके बाद में वो जो उन लोगों का लव एंगल भी डाला है लास्ट में, वो मेरे को बहुत ज्यादा जबरदस्ती का लगा था। कॉमेडी भी बहुत ज्यादा ऐसा जो फोर्सफुली लग रहा था, कॉमेडी भी था ना फोर्सफुली लग रहा था। बहुत अक्षय के फैन हो? हम लोग फैन है अक्षय के, बहुत ऑनेस्टली एवरेज है मूवी, अक्षय फैन है, पर हम लोग वन टाइम वॉच है, अक्षय फैन है लेकिन हम लोग सिनेमा लवर है। मैं इतना बोलूं, हम लोग कंटेंट पसंद करते हैं, हम मलयाली मूवीज देखते हैं, तेलुगु मूवीज, कन्नड़ा, हर मूवी देखते हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखते हैं, समझ में आती नहीं है, लेकिन ये मूवी देखा मैंने, नई नई बोल के मतलब 5-6 सीन इंस्पायर्ड, एक्शन सीक्वेंस तो कॉपीड थे कुछ सारे, और उसके बाद में सेकंड हाफ पूरा ड्रैग था, फिर उसका क्लाइमैक्स मेरे को थोड़ा बहुत चलो ठीक है, मैं एटलीस्ट बोला चल ठीक है थोड़ा सा कि हाँ चल थोड़ा सा वो अभी फरा समझी का पहला हाउसफुल 4 था, डायलॉग वो लिखते थे इतना पता है, और डायलॉग उनका सुन के समझ भी जाता कि भाई ये डायलॉग से फरा समझी लिख सकते हैं। अब इनका तीसरा मूवी सलमान खान के साथ आ रहा है कभी दिवाली में, बस यही होप करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर आप देख रहे हो भाई वीडियो फरा समझी तो ऐसा मत करना, अगर उसको वो भी शायद से रीमेक है, वीरम का रीमेक है, अजीत कुमार की मूवी है उसका रीमेक कर रहे हैं, तो ऐसा मत गड़बड़ कर देना, पूरा मिस मत कर देना मूवी को, बस ये अक्षय कुमार फैंस उन्होंने अपने दिल से रिव्यू दिया है और बच्चन पांडे कहा है कि पूरी पिक्चर अक्षय अपने कंधे पे लिया, कंधे पे उठा के चल रहे, फैक्ट है वो। आप डिसाइड करिए जाना है या नहीं जाना, जाना जाओ वन टाइम अक्षय के लिए जरूर, फैंस तो जाओ जाओ जरूर जाओ, लोगों के लिए तो नॉर्मल ऑडियंस भी अक्षय के लिए जरूर एक बार जाओ, मास एलिवेशंस है मूवी में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा सेकंड हाफ बहुत डरा मतलब पूरा फ्लैट हो गया मूवीज देखते हो ना तो आपको नहीं जमेगा, इतना खास नहीं लगेगा मूवी, वन टाइम वॉच ले, थैंक यू। एक नंबर सरस है, पैसा पैसा मुद्दा ले, अच्छी 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 पिक्चर, कड़क मूवी, कड़क पिक्चर, बहुत अच्छा पिक्चर, कैसी लगी? एक नंबर थी, एक नंबर मैडम,
फिल्म कैसी है बच्चन पांडे? अच्छी पिक्चर है, अच्छी पिक्चर, एक नंबर, टाइम पास है, पैसा वसूल है, वसूल है, ओके कैसी है बच्चन पांडे? एक नंबर पिक्चर है, बच्चन पांडे का रोल ये करेगा नेक्स्ट, ये करेगा। आपको कैसी लगी पिक्चर? अच्छी है। चलिए भाई दाम भाई, मेरे को फिल्म ये बहुत अच्छा, सुपर्ब है, सुपर पिक्चर है। ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसी है फिल्म? कैसी है? नो डाउट बच्चन पांडे सुपर, सुपर, सुपर हिट, सुपर हिट, नो सुपर डुपर हिट, सुपर हिट, सुपर हिट, सुपर हिट है बच्चन पांडे। ऑसम मूवी, ऑसम, ओके सुपर, सुपर, ओ एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, मजा। मुझे मारो, 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 मुझे मारो, मजा नहीं आया। अरे मैं यूपी 62 का हूँ, यूपी 60 किधर आया? अच्छा अच्छा, कैसी है पिक्चर? कैसी है बच्चन पांडे? अच्छा अच्छी है। आपको कैसे लगी? अच्छी लगी, अच्छी बनी है पिक्चर? पिक्चर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्यों, क्या हो गया? फ्रेश स्टोरी नहीं लगी है, स्टोरी बहुत अच्छी लगी, क्यों नहीं स्टोरी? अक्षय कुमार ही अच्छे लगे, बाकी कुछ अच्छे नहीं लगे, साजिद नाडे वाला दूर दूर बना दिए उसको, खाली अक्षय कुमार अच्छे, बस डायलॉग, खाली उसकी स्टाइल ही अच्छी है और उसके एक्शन ही अच्छे है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है। सॉन्ग बहुत हिट है लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब फालतू लोग है, इससे अच्छा कश्मीर फाइल देखो, पैसा वसूल। हाँ कश्मीर फाइल देखो, पैसा वसूल है। जय श्री राम। बच्चन पांडे मतलब आपके हिसाब से फ्लॉप है? फ्लॉप है, फ्लॉप है, 100% फ्लॉप है। ओके ओके, कैसी है पिक्चर बच्चन पांडे? अरे मस्त है भाई। नहीं आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी पिक्चर, अच्छी बनाई है पिक्चर। हां हां, अक्षय कुमार का मैसेज, अक्षय कुमार का काम भी अच्छा है, मैसेज भी बहुत अच्छा देती है। हर एक आदमी में दो पहलू है, वही बताते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया पिक्चर में, बहुत अच्छे। सनन और अरशद वारसी बहुत अच्छे, अच्छा है, बहुत अच्छे। कृति सनन वैसे मुझे इतनी पसंद नहीं आती है खास, पर इस फिल्म में शी हैज रियली डन वेरी वेल। यार ना अरशद वारसी तो एज यूजुअल इज वेरी नाइस। ओके आपको कैसी लगी? अच्छी, अच्छी लगी। हां ओके, थैंक यू।